हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम बात करने वाले हैं रेडमी 12 5G हमारे पास फ़ोन है और इस फ़ोन में जो प्रॉब्लम है इसमें FRP लगी है। तो आज के इस वीडियो में बताएंगे अगर आपके पास रेडमी 12 5G फ़ोन है और वो फ़ोन आपसे हार्ड डिसेट हो जाता है, उसमें FRP लग जाती है, तो उसके FRP आप किस तरीके से बाईपास कर सकते हैं, तो देखते हैं पूरी वीडियो शुरू से एंड लास्ट तक। दोस्तों वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले अपना फ़ोन वाईफाई नेटवर्क से आपको कनेक्ट करना, तो मैं अपना फ़ोन दोस्तों वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट कर लेता हूँ और जैसे ही हम इसे आगे बढ़ाते हैं पैटर्न और गूगल अकाउंट मांगता है, इससे आगे हमारा फोन दोस्तों नहीं जाता। और इसमें जो वर्जन है वो MIUI 14 वर्जन दोस्तों लेटेस्ट अपडेट के साथ फ़ोन है और इसमें जो ओल्ड मेथड था FRP बाईपास करने का बिल्कुल भी इसमें काम नहीं कर रहा। जो गूगल प्ले सर्विस और एंड्रॉयड सेटअप थे वो बिल्कुल भी इसमें डिसेबल नहीं हो रही, बिल्कुल आपको नया तरीका हम बताएंगे। तो आपको करने का अपना फ़ोन यहाँ से बैक करना, तो मैं बैक कर लेता हूँ और बैक करने के बाद आपको वाईफाई के नीचे आना है, ऐड नेटवर्क पे क्लिक करना। तो यहाँ ऐड नेटवर्क पे क्लिक कर लेता हूँ मैं। इसके बाद यहाँ नेटवर्क नेम पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ बारकोड मिलेगा आपको यहाँ, तो आपको बारकोड पे क्लिक करना, तो मैं कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ नीचे आना है, मोड सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा तो यहाँ क्लिक करना मोड पर, तो मैं कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ सेटिंग के सामने एक निशान है, इस पर क्लिक करना। इसके बाद यहाँ कीबोर्ड का ऑप्शन जाएगा, सबसे पहले भी क्लिक करना और यहाँ शेयर का ऑप्शन मिलेगा आपको, तो शेयर पे जाना है तो मैं चले आता हूँ। और शेयर पे जाने के बाद यहाँ आपको साइड में करना है, साइड में करने के बाद यहाँ मैसेज का ऑप्शन मिलेगा, एरिया दो है तो आपको इस वाले पर क्लिक करना है, तो मैं कर लेता हूँ। और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ न्यू मैसेज पर जाना है, फिर यहाँ एक नंबर है 111 ऊपर, तो यहाँ आपको टाइप करना है 111, तो मैं कर लेता हूँ। और इसके बाद यहाँ नीचे आपको आना है, इसे काट देना पहले, तो मैं काट लेता हूँ। और इसे काटने के बाद आपको यहाँ लिखना है www.youtube.com, तो यहाँ लिखना है आपको www.youtube.com, तो मैं लिख लेता हूँ और लिख के आपको सेंड कर देना, तो मैं सेंड कर लेता हूँ। ये SMS तो सेंड नहीं होने का, इससे एक लिंक बन जाएगा, आपको रिफ्रेश पे क्लिक करना है। इसके बाद तो जैसे ही हम रिफ्रेश पे क्लिक करेंगे तो हमारा यूट्यूब आ जाएगा, तो यूट्यूब के लोगों पर हमें क्लिक करना, और जैसे ही हम यूट्यूब के लोगों पर क्लिक करेंगे हमारे फ़ोन का जो यूट्यूब है वो खुल जाएगा। इसके बाद यूट्यूब की सेटिंग में जाना है, तो मैं चले आता हूँ। फिर हिस्ट्री एंड प्राइवेसी, फिर यूट्यूब टर्म ऑफ सर्विस पर क्लिक करना है। इसके बाद क्या होगा, हमारा जो फ़ोन का क्रोम ब्राउज़र होता है वो ओपन हो जाएगा, क्रोम ब्राउज़र ओपन हो चुका है। इसके बाद यहाँ से एक साइट है जिसका नाम है BK Smart FRP, तो आपके यहाँ जाना है BK Smart FRP, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ, तो BK Smart FRP आपको लिखना है और सर्च करना है, तो मैं कर लेता हूँ। सबसे ऊपर वाली जो साइट आएगी BK Smart FRP, इस पर क्लिक करना आपको। इसके बाद यहाँ आपको मेन्यू पर जाना है इधर साइड में, तो मैं चले आता हूँ। फिर यहाँ FRP F जो लिख रहा है इस पर जाना है आपको। इसके बाद यहाँ रेड मोड का जो ऑप्शन है यहाँ क्लिक करना, तो मैं कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ दूसरे नंबर पे ओपन सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको ओपन सेटिंग पे क्लिक करना, तो मैं यहाँ से मैं कर लेता हूँ। इसके बाद हमारे फ़ोन की जो सेटिंग है वो खुल चुकी है। पहले इसका मॉडल नंबर दिखा देता हूँ मैं, Redmi 12 5G। आपको करने का आपको नीचे आना है और इसमें जाना है ऐप्स में, तो मैं चले आता हूँ यहाँ बैटरी के नीचे। ऐप्स का जो ऑप्शन है यहाँ क्लिक करना, तो मैं कर लेता हूँ। इसके बाद आपको जाना है दूसरे नंबर पे मैनेज ऐप्स पे, तो मैं मैनेज ऐप्स पे चले आता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ जाना है फाइंड ऐप्स पे, जो ऑप्शन है वो फाइंड ऐप्स का, इस पर क्लिक करना। और इसके बाद ये जो हमारा वो है खुल जाएगा यहाँ से। इसके बाद यहाँ स्किप पे जाना है, तो मैं चले आता हूँ स्किप पे क्लिक करना। ये खुल चुका हमारा, ये अपडेट के लिए बोल रहा था, आपको अपडेट कर देना पहले, तो यहाँ से मैं कर लेता हूँ। इसके बाद आपको सर्च में जाना ऊपर, तो ये अपडेट होने लगा, तो मैं दिखा देता हूँ ये अपडेट हो रहा, गेट ऐप जो एप्लीकेशन है अपडेट हो रही है। तो हमें जो है ये सर्च में जाना है, तो सर्च में यहाँ लिखना है एक्टिविटी लॉन्चर, तो मैं लिख लेता हूँ। एक एप्लीकेशन हमें यहाँ से डाउनलोड करनी है, तो मैंने यहाँ लिखा एक्टिविटी, ये आ चुका तीसरे नंबर पर, तो आपको यहाँ लिखना है एक्टिविटी लॉन्चर। तो आपको एक्टिविटी लिखते ही यहाँ तीसरे नंबर पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको एक्टिविटी लॉन्चर का, तो इसे आपको डाउनलोड करना, तो मैं कर लेता हूँ। ये गेट पर क्लिक करना, और जैसे हम गेट पर क्लिक करेंगे तो हमारे जो फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा, ओपन करने के लिए जाएगा, तो ओपन करना है यहाँ से, तो मैं कर लेता हूँ। तो ये हमने ओपन कर लिया। और दोस्तों वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो सब्सक्राइब करें। तो हमारा ये ओपन हो रहा है, ये ओपन हो चुका। ओपन होने के बाद आपको जाना है ऊपर सर्च में, तो मैं चला आता हूँ। ये सारी ऐप आ चुकी है हमारी, तो ऊपर जाना आपको यहाँ एक्टिविटी लॉन्चर जो यहाँ सर्च का जो ऑप्शन है यहाँ क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ लिखना है आपको स्पेस, तो मैं लिख लेता हूँ। और जैसे हम स्पेस लिखेंगे तो आपको स्पेस लिख के यहाँ इंग्लिश वाले पर क्लिक कर देना है एक बार, तो मैं कर लेता हूँ। इसके बाद दोस्तों ये आ चुका सेकेंड नंबर पर, सेकेंड स्पेस फिंगरप्रिंट, तो मैं फिर से दिखाता हूँ एक बार। यहाँ लिखना है आपको स्पेस, तो मैं लिख लेता हूँ स्पेस, और स्पेस लिख के एक बार स्पेस दबाना है, तो मैं दबा देता हूँ। फिर इसके बाद यहाँ सेकंड नंबर पर जाएगा सेकंड स्पेस फिंगरप्रिंट, यह आ चुका सेट फिंगरप्रिंट, तो आपको करना गया है स्किप कर देना। और जैसे ही हम यहाँ स्किप करेंगे, जो हमारे फ़ोन में FRP लगी हुई थी दोस्तों बिल्कुल बाईपास हो जाएगी, तो मैं यहाँ स्किप कर लेता हूँ और हमारा फ़ोन दोस्तों बिल्कुल ओके खुल जाएगा।
ये बिल्कुल हो चुकी है, आपको एग्री पे क्लिक करना और जो हमारा फ़ोन में FRP लगी हुई थी दोस्तों बिल्कुल बाईपास हो जाएगी। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई जो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को जो सब्सक्राइब करें।